ये कहानी है ऋषि भृगु की, जो हमें विनम्रता का जीवन में महत्व सिखाती है। एक बार की बात है कि भृगु ऋषि ये जानना चाहते थे कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से वास्तव में ऐसा कौन है जिन्हें कभी क्रोध नहीं आता, और ये जानने के लिए वह स्वयं भगवान की ही परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक के लिए यात्रा करने के लिए जाते हैं। वो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें क्रोध दिलाने का प्रयत्न करते हैं, और ब्रह्मा जी क्रोधित हो भी जाते हैं। उसके बाद वह वही परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर के पास जाते हैं। तो भगवान शंकर तो पहले से ये जानते थे कि भृगु ऋषि उनकी परीक्षा लेने आए हैं, तो वो कहते हैं कि हे भृगु, आप मेरी परीक्षा ना ही ले तो बेहतर है, क्योंकि मैं रुद्र हूँ, सृष्टि का संहारक हूँ, और सृष्टि का संहार करने के लिए मुझे तो क्रोध करना ही पड़ता है। भृगु जाइए, आप मेरे भी आराध्य नारायण अर्थात भगवान विष्णु की परीक्षा लीजिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जब शिव जी का आशीर्वाद पाया तो निर्भय होकर भृगु ऋषि कुछ ज़्यादा ही कठिन स्वरूप से, यानी कि कुछ ज़्यादा ही कठिनता से भगवान विष्णु की कुछ ज़्यादा ही कठिन परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु के लोग वैकुंठ पहुँचे। वहाँ पर जाकर भृगु ऋषि ने ना आओ देखा ना ताओ भगवान विष्णु की छाती पर ही प्रहार कर दिया। योग निद्रा में सोए हुए भगवान विष्णु की छाती पर लत्ता प्रहार कर दिया, यानी कि लात मार दी। और जब छाती पर उन्होंने अपनी लात मारी तो भगवान विष्णु के वो विनम्र शब्द हमें जीवन में विनम्रता का महत्व सिखाते हैं। भगवान विष्णु ने बड़ी प्रेम से अपनी आँखों को खोला और बोले उनके चरणों को सहलाते हुए कि हे पुत्र, हे भृगु, कहीं आपको चोट तो नहीं आई ना ऋषिवर, क्योंकि वास्तव में मेरी छाती तो चट्टान सी कठोर है और आपके ये प्यारे प्यारे चरण तो कमल से भी अधिक कोमल है, कहीं आपको चोट तो नहीं आई ऋषिवर। ऋषिवर, मैं अपने कान पकड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपके चरणों को साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मेरी उद्दंडता के लिए मुझे क्षमा कीजिए, कहीं आपको चोट तो नहीं आई ना ऋषिवर। हे ऋषिवर, मैं तो तुच्छ हूँ और आप तो इतनी करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने वाले ऋषि, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं, मुझसे कितनी भारी गलती हो गई ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। और हे ऋषिवर, मैं आपको साक्षात ये वरदान देता हूँ कि ये जो छाती पर आपने मेरी लात मारी है, ये आपके पैर का चिन्ह मैं जीवन भर अपनी छाती पर रखूँगा। और जब भगवान विष्णु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, उन्होंने श्री राम का अवतार लिया था तो परशुराम ने भी उनकी छाती पर उसी पैर के चिन्ह को देखकर ये समझ पाए थे परशुराम भी कि श्री राम ही भगवान विष्णु का अवतार है, यानी कि विष्णु जी ने सदैव ही वो चरण का चिन्ह अपनी छाती पर धारण किया था। इतने विनम्र शब्दों को सुनकर भृगु ऋषि फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि आप संसार के पालन हर करता है साक्षात भगवान विष्णु है, फिर भी अपने आप को तुच्छ मानते हैं, ऐसा विनम्र स्वभाव केवल नारायण का ही हो सकता है। और वो अपनी गलती पर, अपनी उन दंडता पर रो रो कर पछतावा करते हैं। ये कहानी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। इस निर्दयी समाज में या इस निर्दयी संसार में विनम्रता ही वो शस्त्र